एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी के दूध के दामों को बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, अब ये पांचवी बार है कि इस साल में मदर डेयरी के दामों को बढ़ाया गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी के दामों को 2 रुपए अधिक कर दिया गया है और ये इस साल में पांचवी बार हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने रुपए को बढ़ाने का हवाला ये दिया है कि लागत में अधिक पैसे कंपनी के खर्च हो रहे हैं। दूध की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से दिल्ली एनसीआर के लोगों के घरेलू बजट पर अब काफी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये केवल 2 रुपए है, लेकिन इस साल में पांचवी बार दूध के दाम बढ़ना काफी चिंताजनक है। हम त्योहारों के बाद भी उपभोक्ताओं और संस्थानों में दोनों से दूध और दुग्ध उत्पादकों की मांग में बढ़ोतरी देख रहे हैं। दूसरी तरफ कच्चे दूध की खरीद में भी वृद्धि नहीं हुई है। कच्चे दूध की खरीद कीमतों में पिछले साल की तुलना में लगभग 24% की वृद्धि देखी गई है। आपको बता दें, कंपनी ने हवाला दिया है कि उनकी लागत में बढ़ोतरी की वजह से दामों में भी बढ़ोतरी की गई है। मदर डेयरी दूध नई कीमत दिल्ली एनसीआर में 27 दिसंबर से 2022 से लागू हो जाएंगी। कंपनी ने इस साल कई बढ़ोतरियां की हैं। पिछली बार बढ़ोतरी 21 नवंबर को ही की गई थी। इस दौरान दिल्ली एनसीआर के बाजार में फुल क्रीम दूध की कीमत में 1 रुपए प्रति लीटर और टोकन दूध में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी और अब फिर से सभी प्रकार के मदर डेयरी के दूध में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से हमेशा वाकिफ रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।